नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप में एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंडिकेटर है। यानी कि दोस्तों, इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं कि कब स्टॉक में एंट्री करनी है, कब स्टॉक में एग्जिट करना है, कब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कब किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग के लिए एंट्री करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का करंट ट्रेंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है और उसमें रिवर्सल के क्या चांसेस हैं। और दोस्तों, इस इंडिकेटर का नाम है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। अब दोस्तों, इस इंडिकेटर के बारे में विभिन्न आर्टिकल्स या अलग अलग बुक्स में जो बातें बताई गई हैं कि कैसे आप इस इंडिकेटर का यूज़ स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं या फिर इस इंडिकेटर के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि करंट ट्रेंड, जो कि स्टॉक का करंट ट्रेंड है, वो कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना वीक है और उसमें रिवर्सल के क्या चांसेस हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित हैं, यानी कि वे सीक्रेट बातें जो आपको किसी भी बुक्स या फिर आर्टिकल्स में देखने, पढ़ने व सुनने को नहीं मिलेंगी। वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों कि कैसे इस इंडिकेटर का यूज़ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं और इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप बिल्कुल नियर द बॉटम स्टॉक में इन्वेस्टिंग का डिसीज़न ले सकते हैं और स्टॉक को नियर द टॉप सेल कर सकते हैं और कैसे आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और दोस्तों, ये बातें मैं आपको मल्टीपल चार्ट्स पर वेरीफाई करके भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देता हूं कि यस बैंक का शेयर, जिसमें कि निवेशकों ने अपने करोड़ों रुपए स्वाहा किए हैं और उसमें बर्बाद हो गए हैं, उस बैंक तक में भी आपको स्टॉक के गिरने से महीनों पहले ही इस इंडिकेटर ने इंडिकेशन दे दिया था कि भैया यस बैंक के शेयर में अपना प्रॉफिट बुक कर लो और सब कुछ बेच बाच के वहां से निकल जाओ क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। दोस्तों, ये इंडिकेशन इस स्टॉक ने यस बैंक के शेयर के प्राइस के टूटने से महीनों पहले ही हमें बता दिया था। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी जान लेंगे हम कि किसी गिरते हुए शेयर को देख के हम ये पता भी लगा सकते हैं कि वो शेयर जानबूझकर यानी कि केवल दिखावे के लिए गिर रहा है या फिर सच में उसमें कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है कि शेयर का प्राइस टूटकर बहुत ज़्यादा 90 से 95% तक अपनी वैल्यू खो सकता है या कि यानी कि ड्रॉप हो सकता है। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर के द्वारा हमें सिंपली देखते ही चार्ट को ये पता लग जाएगा कि भैया ये जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ये सही में किसी बुरी न्यूज़ की वजह से डाउन ट्रेंड में है या जस्ट ये फिर एक करेक्शन का फेस है। तो दोस्तों, सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली चार्ट पे समझेंगे और इसके द्वारा कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ये भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे इस स्टॉक का एज ए डाइवर्जेंस यूज़ करना है या फिर कैसे इसको अपनी अलग अलग तरह की ट्रेडिंग में यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि स्टॉक प्राइस और उसके वॉल्यूम का यूज़ करके हमें ये बताता है कि भाई इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि कोई उस स्टॉक को इकट्ठा कर रहा है अपने पास चुपके चुपके या फिर मार्केट में उसकी धीरे धीरे सप्लाई दे रहा है। तो दोस्तों, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को आगे वीडियो में शॉर्ट में हम एडी इंडिकेटर कहेंगे। तो एडी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि स्टॉक प्राइस और उस स्टॉक में उस पर्टिकुलर दिन जनरेटेड वॉल्यूम को कंबाइंड करके हमारे चार्ट पर एक ग्राफ ड्रॉ कर देता है जिसे कि हम एडी लाइन कहते हैं। यह एक ऐसा लीडिंग इंडिकेटर है जो कि हमें काफ़ी पहले ही बता देता है कि फ्यूचर में स्टॉक की डायरेक्शन क्या हो सकती है
और ये फ्यूचर में स्टॉक की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। हालांकि दोस्तों कोई भी इंडिकेटर शेयर मार्केट में 100% सक्सेसफुल नहीं होता, परंतु फिर भी ये इंडिकेटर काफ़ी हद तक एक्यूरेसी हमें देता है मार्केट को जज करने में, क्योंकि ये पूरी तरह से स्टॉक के प्राइस और उसमें जनरेटेड वॉल्यूम पर आधारित है। तो दोस्तों एडी इंडिकेटर स्टॉक के प्राइस और उसमें जनरेटेड वॉल्यूम के द्वारा यानी कि वॉल्यूम फ्लो को मेज़र करके हमें ये भी बताता है कि भाई स्टॉक का करंट ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, और उसमें रिवर्सल की कितनी संभावना है या फिर रिवर्सल की कोई भी संभावना नहीं है। तो इन जनरल एडी लाइन हमें बताती है कि स्टॉक में मनी का इनफ्लो हो रहा है या फिर स्टॉक से पैसे को निकाला जा रहा है, यानी कि स्टॉक से मनी का आउटफ्लो हो रहा है। तो दोस्तों एडी लाइन इंडिकेटर को फेमस ट्रेडर और एनालिस्ट मार्क चेकिन ने बनाया था, और आई होप मैंने उनका नाम सही प्रोनाउंसिएट किया है, और यदि मैंने उनके नाम के प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती की है दोस्तों तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं। तो दोस्तों मार्क चेकिन ने एडी इंडिकेटर को बनाया था। तो दोस्तों एडी इंडिकेटर किसी भी स्टॉक में मनी फ्लो वॉल्यूम को दिखाता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मनी फ्लो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी होगी, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्लोज माइनस लो माइनस हाई माइनस क्लोज, और फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं हाई माइनस लो को से, जहाँ पर दोस्तों MFM को हम मनी फ्लो मल्टीप्लायर कहते हैं, क्लोज जो है उस दिन स्टॉक का क्लोज प्राइस होता है, लो उस दिन स्टॉक ने जो लो लगाया होता है उसकी वैल्यू होती है, हाई स्टॉक ने जो हाई लगाया होता है उसकी वैल्यू होती है, और क्लोज प्राइस स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू होती है। तो दोस्तों इसके द्वारा हम MFM को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम करंट मनी फ्लो वॉल्यूम निकालते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है MFM यानी कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर इनटू पीरियड ऑफ वॉल्यूम, यानी कि MFM को हम गुणा कर देते हैं पीरियड वॉल्यूम से, और फिर AD लाइन की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रीवियस AD की जो वैल्यू होती है उसमें करंट मनी फ्लो वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें AD लाइन के लिए उस दिन का पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम हर दिन के AD पॉइंट्स को आपस में जोड़ते रहते हैं, जिससे कि हमें एक AD लाइन यानी कि AD ग्राफ अपने चार्ट पर मिल जाता है, जिसे कि हम AD लाइन कहते हैं। और दोस्तों इस एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को हम किसी भी टाइम फ्रेम पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको 5 मिनट पर अप्लाई करेंगे तो हमें जो चार्ट पर लाइन मिलेगी वो 5 मिनट के लिए होगी। इसी तरह से हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितने भी आवरली चार्ट जितने भी टाइम पीरियड का चार्ट अपने स्क्रीन पर सेलेक्ट करेंगे, हमें उसी पीरियड की AD लाइन अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो दोस्तों AD इंडिकेटर को यूज़ करके पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये बात आपको जनरली किसी भी वीडियो या फिर किसी भी बुक्स और आर्टिकल में देखने पढ़ने व सुनने को नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि AD इंडिकेटर को यूज़ करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम अपने यस बैंक के चार्ट पर ही चलते हैं, और वहाँ पर इस इंडिकेटर को हम लगाकर कैसे इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यस बैंक के चार्ट पे आ गए हैं, और इसमें सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो स्टडीज़ में जाके हमने एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करा, और यहाँ पर हमने यूज़ वॉल्यूम पे टिक कर देते हैं, और रिज़ल्ट में आप जिस भी कलर की लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको एज डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहने देते हैं, जिससे हमारी स्क्रीन पे वाइट लाइन आएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक वॉल्यूम का चार्ट भी लगा लेते हैं, वो स्टडीज़ में जाके वॉल्यूम इंडिकेटर का चार्ट हम लगा लेते हैं।
जिससे कि हमें वॉल्यूम बार्स शो होंगी उस पर्टिकुलर दिन के, क्योंकि ये भी इस इंडिकेटर के कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों हमने वॉल्यूम का चार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और हमारे स्क्रीन पे वॉल्यूम बार्स भी आ चुकी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इंडिकेटर को, जिससे कि हमें देखने में आसानी होगी। तो दोस्तों स्क्रीन पे ये AD इंडिकेटर और वॉल्यूम का चार्ट लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि -71 बिलियन यहाँ पे आपको नेगेटिव में फिगर दिखाई दे रही होगी। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है मैं भी ये आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे अभी वैल्यू -71 B यानी कि 71 बिलियन माइनस में वैल्यू दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसका रीज़न ये होता है कि AD इंडिकेटर में एक ज़ीरो लाइन होती है और उस ज़ीरो लाइन के नीचे जब इंडिकेटर होता है तो उसकी वैल्यू माइनस में शो होती है, और जब इंडिकेटर ज़ीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो उसकी वैल्यू प्लस में शो होती है, जो कि 1000 से लेके मिलियन बिलियन या फिर ट्रिलियन तक भी जा सकती है। तो दोस्तों ये लाइन कहाँ होती है, चलिए इसको देखने के लिए हम इस चार्ट में पीछे जाते हैं। तो अभी ये वैल्यू नेगेटिव में ट्रेड कर रही है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, देख सकते हैं कि वैल्यू माइनस में ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन अभी तक हमें इसमें ज़ीरो लाइन नहीं मिली है दोस्तों। तो ज़ीरो लाइन के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये ज़ीरो लाइन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रही है 2019 मई के आसपास, ये यहाँ पे ये ज़ीरो लाइन है देखिए दोस्तों। और स्टॉक ज़ीरो लाइन के नीचे कब आया है, अक्टूबर 2019 में। और दोस्तों ये इससे पहले ये आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ज़ीरो लाइन से ऊपर यहाँ पे सितंबर 2018 में इसने ज़ीरो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया था, उससे पहले ये ज़ीरो लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो देखते हैं जब ये ज़ीरो लाइन के ऊपर था तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे 1.83 बिलियन पॉजिटिव में, ये आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू बिलियन में है यानी कि मनी फ्लो पॉजिटिव में। और इससे पहले 692 मिलियन आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव में वैल्यू आपको दिखा रही है, जबकि ये इंडिकेटर ज़ीरो लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों इस चार्ट में अब हमें ये देखना है कि इस इंडिकेटर ने हमें, जैसा कि आप जानते हैं कि यस बैंक में बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, उसमें बहुत जो कि लोन बांटे थे तो उसकी वजह से ये बैंक पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस इंडिकेटर ने, वो न्यूज़ जब पब्लिक में नहीं थी तो वो न्यूज़ स्मार्ट मनी के पास थी, तो कैसे इस इंडिकेटर ने स्मार्ट मनी की वॉल्यूम बेस एक्टिविटी को फॉलो करते हुए हमें काफ़ी पहले ही बता दिया था कि इस स्टॉक में कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब तक ये इंडिकेटर इस ज़ीरो लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा यानी कि इसमें ये वैल्यू प्लस में रहेगी, तो इसका हमें क्लियर मतलब ये है कि इसमें मनी फ्लो पॉजिटिव में बना हुआ है। और जैसे जैसे ये इंडिकेटर नीचे की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें मनी फ्लो की वैल्यू भी घटती जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी आप 1.42 बिलियन स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब ये मिलियन में वैल्यू आ गई है 800 700 के आसपास, और ये फ्लक्चुएट होती जा रही है जैसे भी हम चार्ट को आगे या पीछे की तरफ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फरवरी 2018 से पहले ये वैल्यू 1.2 1.5 बिलियन में है, और जैसे जैसे अब फरवरी 2018 के बाद हम स्टॉक में आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे सितंबर 2018 में स्टॉक ने इस ज़ीरो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया और इसमें वैल्यू माइनस में 30.7 बिलियन तक आ गया। तो दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक ज़ीरो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हमें वहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई जो भी स्मार्ट मनी या जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड थे उन्होंने अपना पैसा इस स्टॉक से निकालना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जब ये इंडिकेटर नीचे की तरफ जाएगा तो क्लियर इसका मतलब है कि स्टॉक से पैसा निकाला जा रहा है, और जीरो लाइन से नीचे जब दोस्तों ये इंडिकेटर चला गया इसका साफ मतलब है कि वहाँ पर कोई भी स्मार्ट मनी या स्मार्ट इन्वेस्टर स्टॉक में मौजूद नहीं है और उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक से निकाल लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सितंबर 2018 के चार्ट में यहाँ पर इतने बड़े हैवी वॉल्यूम जनरेट हुए और स्टॉक 400 रुपये का
चढ़ाई लगाने के बाद 200 रुपये के लेवल तक आ गया, और ठीक वहीं पर स्टॉक में नेगेटिव में वॉल्यूम भी जनरेट हो गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया था कि स्टॉक में कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ वाली न्यूज़ आ सकती है, या अंदर ही अंदर कुछ बैड न्यूज़ चल रही है, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी को तो इसकी भनक पहले लग गई थी, और उसने यहाँ से इस एरिया में अपना स्टॉक जब यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था तो उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया और लास्ट में हैवी वॉल्यूम के साथ अपनी पोजीशन काट दी और ज़ीरो लाइन के नीचे स्टॉक आ गया दोस्तों। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, और उसके बाद इसमें ये वैल्यू माइनस में 35.1 बिलियन, और माइनस में ही स्टॉक 0.9 के नीचे ट्रेड करने लगा। और उसके बाद से सितंबर 2018 के बाद से दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक 0.9 के नीचे ही ट्रेड करता रहा कंटिन्यूसली। हालांकि स्टॉक ने यहां से फिर ऊपर 250 रुपये के लेवल से ऊपर जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और दोस्तों सक्सेसफुल नहीं होने का रीज़न क्लियरली यही था कि जब कोई उसमें स्मार्ट मनी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो स्टॉक ऊपर कहाँ से जाएगा। और दोस्तों उसका क्लियर कट रीज़न ये था कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को तो इन खबरों का बहुत बाद में पता लगता है, वे तो बेचारे बलि के बकरे बन के उसमें फंस जाते हैं, परंतु स्मार्ट मनी को इंटरनल न्यूज़ बहुत ही पहले पता लग गई होती है दोस्तों। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक कितना नीचे आ गया और उसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दी है। और आज की डेट में भी यस बैंक का शेयर 0.9 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और अभी फ़िलहाल में उसमें वैल्यू जो इस टाइम में दोस्तों चल रही है नेगेटिव में 70 बिलियन के आसपास चल रही है। तो दोस्तों अभी भी जो निवेशक यस बैंक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है कि भाई इसमें बहुत अच्छा आगे आने वाले समय में कुछ हो सकता है, तो दोस्तों अभी वो बहुत दूर की कौड़ी है। इन्वेस्टिंग के लिए इस इंडिकेटर को यूज़ करने का जो पहला तरीका है वो ये है दोस्तों कि जब इंडिकेटर 0.9 के वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगा और उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों, तब हमें उस स्टॉक में अपनी पोजीशन लॉन्ग में बनानी है। तो दोस्तों जब इंडिकेटर 0.9 का ऊपर क्रॉस करके पॉजिटिव में यहाँ पे वैल्यू जनरेट करने लगेगा तो उसका क्लियर कट मीनिंग है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्यूमुलेशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये मनी फ्लो की वैल्यू पॉजिटिव में हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस बैंक की शेयर में यहाँ पे अभी नेगेटिव में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन अभी भी ये 14 रुपये 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें ये वैल्यू नेगेटिव में ही है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इसमें जो भी बहुत ज़्यादा बुलिश निवेशक हैं, इस इंडिकेशन के द्वारा हम इस इंडिकेटर के द्वारा क्लियरली कह सकते हैं कि अभी ये स्टॉक कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये अभी अपने 0.9 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और जब कोई स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करेगा तो स्टॉक डेफिनेटली 0.9 के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव में मनी फ्लो जनरेट होगा। तो दोस्तों स्टॉक को कुछ महंगा खरीदना बेटर रहेगा जब उसमें एक्यूमुलेशन होगा, रादर देन अभी कि भाई अभी तो इसमें कोई भी स्मार्ट मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अब दोस्तों एक दूसरे चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि भाई जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो कितनी सही हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि यस बैंक में कि इसने हमें बहुत पहले ही बता दिया था कि भाई स्टॉक से निकल जाइए क्योंकि इसमें मनी का आउटफ्लो हो रहा है। तो दोस्तों अब हमें इस इंडिकेटर के द्वारा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम दो एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। पहला हम देखेंगे अशोक लीलैंड का चार्ट और दूसरा देखेंगे टाटा मोटर का चार्ट, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही स्टॉक में भी बहुत ही हैवी गिरावट हुई थी यस बैंक की ही तरह, और बहुत से निवेशक इसमें भी डर के उन्होंने एग्जिट कर दिया कि भाई इसमें ऐसी क्या न्यूज़ आ गई कि ये स्टॉक भी अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा खो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम चार्ट पे उन दोनों स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे अशोक लीलैंड का चार्ट आ चुका है और आप इसमें इंडिकेटर के द्वारा क्लियरली देख सकते हैं कि अभी इसमें एक्यूमुलेशन का लेवल 5.73 बिलियन है। तो दोस्तों अभी ये इंडिकेटर 0.9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम स्टॉक में पीछे जाके देखते हैं कि इसने हमें यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंडिकेशन कहाँ पे दिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने
2020 अगस्त और सितंबर महीने के बीच में जीरो लाइन के ऊपर यहाँ पे क्रॉस किया इसने यहाँ पे। और दोस्तों उस समय स्टॉक में जो स्टॉक प्राइस का लेवल था वो 50 रुपये के आसपास था। तो दोस्तों अशोक लीलैंड के स्टॉक ने मार्च में 33 से 32 रुपये का लो लगाने के बाद 50 रुपये के आसपास हमें क्लियरली इंडिकेशन दे दिया था कि भाई इसमें कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्यूमुलेशन कर रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम कैंडल्स के द्वारा भी इस एक्टिविटी को देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही हैवी वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। उसके साथ साथ इस इंडिकेटर ने इस जीरो लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है जो कि 50 रुपये का लेवल था। तो दोस्तों यहाँ पे यदि कोई भी इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग की पोजिशन बनाता 50 रुपये के आसपास, तो आज की डेट में दोस्तों अभी तक इस इंडिकेटर ने इसमें से सेलिंग का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है और स्टॉक लगभग डबल हो गया है। हालांकि स्टॉक 125 रुपये से ऊपर का भी लेवल छू के नीचे की तरफ आया है, लेकिन अभी भी इसने हमें स्टॉक में एग्जिट का कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है और स्टॉक अभी 50 रुपये से 112 यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और इससे पहले भी दोस्तों यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे तो स्टॉक ने जो हाई लगाया था 2018 में वो लगभग 166 से 167 रुपये के आसपास था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 166 से 167 रुपये का हाई स्टॉक ने यहाँ पे लगाया और उसके बाद 130 से 125 रुपये के आसपास इसने ज़ीरो लाइन को एक बार टेस्ट किया और दोबारा 125 रुपये के आसपास ज़ीरो लाइन को ब्रेक भी कर दिया। तो दोस्तों 167 रुपये के आसपास से जब स्टॉक ने गिरना चालू किया तो 130 से 125 रुपये के आसपास उसने हमें क्लियरली स्टॉक से एग्ज़िट का जो है इंडिकेशन दे दिया था। तो यदि इससे पहले भी कोई इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा था तो वो भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकता था। और दोस्तों जैसे ही स्टॉक अगस्त 2018 में ज़ीरो लाइन के नीचे आया तो दोस्तों वो बियरिश ट्रेंड में चला गया और उसके बाद स्टॉक ने लगभग 32-33 रुपये का लो लगाया और उसके बाद फिर स्टॉक ने हमें दोबारा से अगस्त 2020 में इंडिकेशन दिया कि भाई अब हम इसमें अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, जो कि स्टॉक ने ज़ीरो लाइन को क्रॉस करने के बाद हमें दिया था। तो वहाँ से भी हमें वहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन मिल गया था कि अब हम स्टॉक में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जब स्टॉक ने ज़ीरो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था तो यहाँ पे हम स्टॉक में लॉन्ग कर सकते थे। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे टाटा मोटर का चार्ट आ चुका है और दोस्तों इस स्टॉक ने भी अभी 2019 में 330 रुपये का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त गिरावट आई थी और इस स्टॉक ने भी अभी मार्च 2020 में लगभग लगभग 64-65 रुपये का लो लगा दिया था। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी हम देखते हैं कि इस इंडिकेटर ने हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंडिकेशन कब दिया। तो दोस्तों 65 रुपये का लो लगाने के बाद जब स्टॉक ज़ीरो लाइन के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो इसने इस ज़ीरो लाइन को यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पर एक बार टेस्ट किया और उसके बाद लगभग 120 रुपये के लेवल के आसपास इसने इस लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया। इस लाइन के ऊपर ही ये यहाँ से 100 से 120 रुपये के आसपास सस्टेन कर रहा था और 120 रुपये के बाद इसने इस स्टॉक के प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया इस इंडिकेटर ने और ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी इस इंडिकेटर ने इस हैवी वॉल्यूम के द्वारा और इंडिकेटर लाइन के द्वारा 120 रुपये के आसपास हमें इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए इंडिकेशन दे दिया था। और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कि 65 का लो लगाने के बाद 120 रुपये यानी कि डबल होने के बाद इस स्टॉक ने हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंडिकेशन दिया। और उसके बाद दोस्तों आज की डेट में ये टाटा मोटर का स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो गया है, लगभग लगभग 120 रुपये से आज की डेट में ये 350 रुपये का हाई लगाने के बाद 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोस्तों डबल से भी ज़्यादा। तो दोस्तों 65 रुपये का लो लगाने के बाद 120 रुपये में कोई भी निवेशक शेयर खरीदने से डरेगा कि भाई स्टॉक डबल हो चुका है, लेकिन दोस्तों कोई भी स्टॉक डबल ट्रिपल कई गुना भी हो सकता है। ज़रूरत होती है बस वहाँ पर हिम्मत करने की और सही एनालिसिस करने की। यदि किसी
निवेशक ने 120 रुपये के आसपास इस तरह से इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई होती सही एनालिसिस करके, तो वो भी आज इस स्टॉक में लगभग दो गुना मुनाफा, क्योंकि स्टॉक 350-60 रुपये का हाई लगा चुका है, तो 12 120 दूनी 240 और 360 रुपये, यानी कि दोस्तों अपने पैसे को लगभग तीन गुना वो इन्वेस्टर कर चुका होता। तो दोस्तों ये इंडिकेटर हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल टूल है, बस ज़रूरत है इसको सही तरह से यूज़ करने की। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि कैसे इस इंडिकेटर का यूज़ करके हम किसी भी स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ साथ लॉन्ग टू मीडियम टर्म की इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। परंतु दोस्तों इसके साथ साथ भी इस इंडिकेटर के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि इस इंडिकेटर का यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, या फिर जिस भी ट्रेंड में स्टॉक चल रहा होता है कैसे पता किया जाता है कि ये इस ट्रेंड जिस भी ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या फिर एक वीक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड के यहाँ पर रिवर्सल होने की कितनी संभावना है, यानी कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी हम इस इंडिकेटर के द्वारा पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस इंडिकेटर से हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इस बात का भी पता लगा सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई स्टॉक करेक्शन में जा रहा है, यानी कि किसी स्टॉक में फर्दर अपसाइड मूवमेंट होने के बाद उसमें यदि करेक्शन हो रहा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया है, तो इस इंडिकेटर के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं दोस्तों कि ये करेक्शन इसमें केवल दिखावे के लिए हो रही है या फिर स्टॉक को सही में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और आने वाले समय में स्टॉक लंबे डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकता है, या फिर वो केवल छोटे पीरियड में डाउन ट्रेंड में आया है केवल वीक प्लेयर को बाहर करने के लिए और स्टॉक अभी भी अपवर्ड मूवमेंट में ही जाएगा। तो दोस्तों इस इंडिकेटर के द्वारा हम ये सब बातें भी पता कर सकते हैं। तो ये सब बातें इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये सब बातें मैं आपको वीडियो में के अगले भाग में बताऊंगा, और यदि आप वो अगला भाग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाकर आपके लिए अपलोड कर सकूँ दोस्तों। तो यदि आप वीडियो जल्दी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए और वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का फुल यूटिलाइज आप जब ही कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अगला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये स्ट्रेटेजी आपको कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगी। तो आप बेल नोटिफिकेशंस को दबा के सभी नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।